देश की राजधानी में प्रदूषण के बढ़े स्तर को लेकर टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है। डॉक्टरों के समूह ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सलाह दी है कि दिल्ली में लोग खास तौर से बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक से बचें। डॉक्टरों ने कहा है कि सुबह के समय PM 2.5 का कंसंट्रेशन और दूसरी जहरीली गैसों की मात्रा ज्यादा रहती है। माई राइट टू ब्रीथ कैंपेन के तहत जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन तब नहीं जब हम सांस लेते वक्त जहरीली हवा पी रहे हों। इस सामान्य रूप से एक अडल्ट एक मिनट में करीब 6 लीटर हवा सांस के रूप में लेता है, लेकिन जब वही व्यक्ति व्यायाम करता रहता है तो वो 20 लीटर तक हवा सांस के रूप में ले सकता है, और ऐसे में अगर प्रदूषण ज्यादा है तो उसके शरीर में जहरीली हवा ज्यादा पहुंच जाती है। कि इतने प्रदूषण में मैराथन दौड़ने का मतलब है कि आपके फेफड़ों में करीब 2 चम्मच ऐश जमा हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर और कार्डियोथेरेसिक सर्जन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने पहले ही बताया था कि कैसे प्रदूषण के कारण दिल्ली में रहने वाले लोगों के फेफड़े काले हो रहे हैं, जबकि हिल स्टेट्स में रहने वालों के फेफड़े ज्यादा स्वस्थ और गुलाबी रंग के होते हैं। ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो।